हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम राज और आप देख रहे हैं वॉक्सी टॉक्सी। हमने कैनन ईओएस 200D मार्क II ऑर्डर किया था, तो वो उसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। कैनन ईओएस 200D मार्क II ये इसमें आया है। ये मैंने अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल से ऑर्डर किया था। इसका काफ़ी अच्छा बॉक्स है, ये स्टोरी बॉक्स इस पर लिखा हुआ है, अमेजोन का है। और अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि कैसा है कैमरा है। तो मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ। ये हमारा बिल है और निकालने, ये हमारा कैनन का कैमरा है और उसके साथ ये बैग मिला हुआ है। आप देख सकते हैं बैग इसके साथ अटैच करके रखा गया। सबसे पहले आपको बैग दिखा देता हूँ। तो ये DSLR को रखने के लिए ये बैग मिला है। तो ये आप देख सकते हैं EOS का बैग है, हैंडल दिया गया है। और इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। ये इसमें इसकी बेल्ट है, इसको मैं खोलता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, ये इसमें एक जेब दी गई है पीछे साइड में। और ये देखिए, आपको इसमें ये दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। बैग के अंदर काफ़ी चीज़ें रखने के लिए दी गई हैं। और ये अगर आप पकड़ना चाहें इसे, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा आपको पकड़ने के लिए। GB कार्ड इनसाइड और कैनन EOS 200D मार्क II और ये EFS 1855 का इसका लेंस है और STM किट है। और इसमें दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं, 24.1 मेगापिक्सल CMOS, ISO इसमें दिया गया है 25600 और 12800 और डुअल पिक्सल ऑटो फोकस दिया गया है। और ये 4K वीडियो शूट करता है और इसमें ब्लूटूथ वाईफाई दिया गया है और इसमें वेरी एंगल LCD दी गई है। सबसे पहले इसमें ये बुक मिलती है, बुकलेट, आप जैसा देख सकते हैं ये इसकी बुक है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है ये एक और बुक जिसमें इसके डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं। और एक ये वर्कशॉप की कार्ड मिलता है। उसके बाद ये हमारी कैनन की बैटरी है, ये हमें मिलता है 16 GB की मेमोरी कार्ड जो कैमरे में लगती है। उसके बाद ये हमारा केबल है, इससे इसको चार्ज किया जा सकता है। ये हमारा बैटरी चार्जर है जिससे हम अपने कैमरे की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ये हमारा कैमरे का लेंस है 1855 mm, इसको भी अभी आपको दिखाता हूँ। इसके साथ ये हमें कैमरे का एक बेल्ट मिलती है जिससे हम कैमरे से अटैच करेंगे। और फाइनली ये हमको कैमरा मिलता है। Thank you.
सबसे पहले इसकी मैं बैटरी चार्जर दिखा देता हूँ। ये इसका बैटरी चार्जर है, ये इसकी बैटरी है। तो ये इसका कैप दिया गया है, ये इसमें फिट करके, ये देखिए आप देख सकते हैं, इसको ऐसे फिट करा जाएगा, ये चीज़ ये इसमें फिट हो गई है, ये चार्ज हो जाएगी। ये इसका चार्जर दिया गया है और ये प्लग दिया गया है। इस चार्जर को इसमें से कनेक्ट करके चार्ज किया जा सकता है। आप जैसा आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर भी डायल दिए गए हैं, बहुत से स्विच दिए गए हैं और ये फ्रंट से इसका लुक ऐसा है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है, ये काफ़ी लाइट वेट है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ये जो स्क्रीन दी गई है जो पूरी रोटेट हो सकती है, ये सेल्फी लेने के लिए भी काफ़ी, सेल्फी और व्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑटो फोकस है इस पर, ब्लूटूथ दिया गया है, वाईफाई दिया गया है और सबसे लाइट वेट है। और इसमें आप जैसे कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अपने फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं, वैसे इसमें भी आप एडिट कर सकते हैं। इसमें जो इसमें दिया गया है, ये एक टच स्क्रीन दिया गया है, तो इससे आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। ये इसका कैप दिया गया है कैमरे का, इस कैप को ऐसे लगाया जाता है और फिक्स कर दिया जाता है। अब आपको इससे लेंस को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये इसका कैप है, आप इस पर ऐसे लगा सकते हैं इसको दबाकर, और इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये इसका कैप दिया गया है, ये लेंस पीछे से ऐसा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1855 mm। अब मैंने इसको इसके लेंस को इसमें से कनेक्ट कर दिया है। ये जो बीच वाला डायल है जो काफ़ी बड़ा है, ये हमारा जूम के लिए है, आप देख सकते हैं इससे ये जूम होता है। और ये जो छोटा वाला डायल दिया गया है, आप इसको देख रहे हैं, इससे हम इसकी फोकस को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और अब आप देखिए कि इसमें दिया गया है, इसमें एडजस्ट के काफ़ी दिए गए, जैसे कि ऑटो मोड पे लगा सकते हैं, सीन मोड पे लगा सकते हैं, और भी अपने इफ़ेक्ट मोड पे लगा सकते हैं, मैनुअल सेट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे ऑन ऑफ़ दिया गया है, एक ऑफ़ पे दिया गया है वाइट से वाइट, ये ऑन दिया गया है, और उसके बाद एक वीडियो के लिए दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए साइड में इसमें HDMI और USB के लिए दिया गया है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर और भी सेटिंग के मोड दिए गए हैं, इसमें ISO दिया गया है और डिस्प्ले मोड दिया गया है, और यहाँ से एडजस्ट करने दिया गया है, और ये आपका वीडियो के लिए दिया गया है, अगर आप इसे क्लिक करके तुरंत वीडियो शूट कर सकते हैं। और ये इन्फो का दिया गया है, ये मेन्यू का दिया गया है, यहाँ पर ऑटो फोकस को एडजस्ट के लिए दिया गया, अगर आप कभी भी कोई भी फ़ोटोज़ डिलीट करना चाहें तो यहाँ डिलीट का बटन दिया गया है। और अगर आपको जैसे फ़ोन में आप अपनी गैलरी खोल के वीडियोस देखते हैं, वैसे इस बटन को दबा के आप अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। इससे आप इसको ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट करके सेट कर सकते हैं, ये सेटिंग का बटन दिया गया है, यहाँ से आप इसको क्लिक करके सेट कर सकते हैं। इसमें ऑटो फोकस और मैनुअल, आप इसको मैनुअल फोकस पे कर सकते हैं और अपने हिसाब से ऑटो फोकस पे कर सकते हैं। ये इमेज स्टेबलाइज़र है, अभी मैंने ऑन करके रखा हुआ है। फ्लैश के लिए दिया गया है मैनुअल, आप इसको खोल के इसका फ्लैश, इसे फ्लैश से क्लिक कर सकते हैं। तो ये इसका मैनुअल है, इसको ऐसे बंद कर सकते हैं और मैनुअली ओपन कर सकते हैं। तो फ्लैश की जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे। यहाँ पे जो बटन दिया गया है, ये उसके आपकी इमेज को क्लिक करने के दिया गया है, और ये आपकी सेटिंग के लिए दिया गया है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस बटन को सेट करा जा सकता है और ये आपको इमेज क्लिक करती है। इसको खोल के यहाँ पे इसके अंदर बैटरी लग जाती है, और आप इसको चाहे तो यहाँ से आप इसमें माइक कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें दिया गया है ब्लॉगिंग के लिए माइक कनेक्ट कर सकते हैं। आइए अब आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं।
मैंने इस कैमरे को ऑन कर दिया है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका जूम इन जूम आउट, और ये इसका ब्लर को एडजस्ट करता है, और यहाँ मैंने कैमरा ऑन कर दिया, आप इसमें देख सकते हैं, देखिए कैमरा ऑन है और हम इसे इजीली स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। ये इसको इसकी स्क्रीन रोटेट कर सकते हैं और इसे एडजस्ट करके लगा सकते हैं। ऐसे करके तो ये था Canon EOS 200D Mark II। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। अगर हमारी ऐसी और अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर आप और अनबॉक्सिंग की वीडियो देख सकते हैं। वॉक्सी टॉक्सी में मिलते हैं अगली बार।